अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह ईदगाह में इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से अच्छे रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार भी, क्योंकि बारिश का मौका है तो इस बार पूरा वाटरप्रूफ हम शेड का इंतज़ाम करें हैं और जितने महकमे हैं गवर्नमेंट के माशाल्लाह से पूरे बाखूबी इसका इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि ख़ासकर आप देख सकते हैं बाहर रोड का काम चल रहा है, हमेशा नहीं चलता था, ये 2 साल से थोड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है, जो ब्रिज का काम चलने की वजह से थोड़ा नाले का जो पानी है, जो ठहरा हुआ पानी आ जाता है, तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी बल्दिया की जानिब से वो भी काम जल्द से जल्द ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अब की बार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और हमेशा लास्ट टाइम भी मज़म खान साहब का रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे मंगलिस की जानिब से कि यहाँ पे एक ईदगाह में जितना सहन का काम बाकी है इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ मज़म खान साहब को कि इंशाल्लाह ताला आते सो रमज़ान तक वो काम का भी हम जो सो कैसा करना है हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट के जो ग्रांट नेट आता है उससे या फिर वक्त के कोई फंड से हम लेकर करेंगे। और खासकर जिस और जो स्लैब का भी काम है, मैं इंशाल्लाह ताला ये दो भी चीज़ का मैं परस्यू करके हमारे सीओ साहब को भी अभी रिप्रेजेंटेशन लिए हम लास्ट टाइम भी लिए इंशाल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ईद की नमाज़ यहाँ पे ईद उल अदा की नमाज़ जो अदा की जाएंगी 9:30 बजे अदा की जाएंगी और इंशाल्लाह इस बार मौलाना रिजवान कुरैशी साहब जो ईद की नमाज़ यहाँ पे पढ़ाएंगे, मौलाना सैफुल्ला साहब जो शेख जामा निज़ामिया के मम्मी उन्हों भी जो सो यहाँ पे आके उनकी उनका भी बयान होगा और मौलाना जाफर पाशा साहब का भी इस बार बयान होगा और इंशाल्लाह ताला ठीक 9:30 बजे ईद की नमाज़ यहाँ पे अदा की जाएगी। इंस्पेक्शन किया गया था और इस दौरे में आज के हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब है, इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद खादर साहब है, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जनाब एम ए गफ्फार साहब है और हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जोनल कमिश्नर है और हमारे एडिशनल डीसीपी और इंचार्ज एसीपी फलकनुमा जहांगीर साहब है, हमारे एसीपी ट्रैफिक श्रीनिवास साहब है और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के सीजीएम हैं, फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के सारे इस रमनसपुरा डिवीज़न जो